नमस्कार यूपीएन 01 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान, आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूपीएन 01, ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूपीएन 01 के साथ। जो देखा सो दिखाया। देखते रहिए यूवीएन 08 ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। बीनागंज से धर्मेंद्र उप्रेती की रिपोर्ट। बिजली विभाग की ताबड़तोड़ कार्यवाही, ज्यादा बिल बकायेदारों के दुकान मकान एवं मोटरसाइकिल सहित कुर्की कर 30,000 रुपये का राजस्व वसूला। बीनागंज में आज बिजली विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के आदेश के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि सरकार द्वारा ज़्यादा बिजली बकायेदारों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए आज रविकांत चौहान सुपरवाइजर के द्वारा बीनागंज कृषि उपज मंडी में योगेंद्र भैरवलाल साहू की गोडाउन में सील कर दी गई कार्रवाई, जिसमें बकायेदारों पर 50,000 रुपये से अधिक का बिजली बिल का बिल बकाया होने पर ये कार्रवाई की गई है। ऐसे ही चांचड़ा बीनागंज में करीब 17 लोगों के ऊपर एक लाख का बिल बकाया होने पर उनको नोटिस जारी किया गया, अगर जमा नहीं किया तो मकान दुकान कुर्की कर वसूली की जाएगी। जो कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई की गई है सर? आज दिनांक को हमारे यहाँ पे 23 आज दिनांक 23 से 21 को हमारे द्वारा 14 नंबर उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गई है, जिसमें शासन के निर्देश अनुसार जिन पर अधिक से अधिक बकाया राशि वाले उपभोक्ता हैं, जिनकी कुर्की का आदेश शासन द्वारा निर्धारित किया है, जिसके फलस्वरूप हमारे द्वारा 14 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गई है, जिसमें 7 नंबर उपभोक्ताओं द्वारा 3,45,000 रुपये मौके पर ही जमा कर दिए गए हैं। यह प्रक्रिया आगे के लिए हमेशा के लिए रहेगी। क्षेत्र में ये प्रक्रिया पूरे उसमें है, क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में इसकी कार्रवाई की जा रही है। तो किस प्रकार से कुर्की की गई है, उनकी किस प्रकार आपने इसमें ये दे दिया गया है, 14 दिन का नोटिस भी जारी किया गया है और बिल भी हर महीने पहुँचाते रहे और हमेशा काटते समय कहा भी गया है कि आप बिल जमा करें, लेकिन उन भुगतानों द्वारा जानबूझ के बिल जमा नहीं किया, जिस कारण से उन पर कार्रवाई की जा रही है। अभी बीनागंज क्षेत्र में 3,45,000 का राजस्व वसूल हुआ है और अभी भी कुर्की की कार्रवाई जारी है, जैसे जैसे होते जाएगा वैसे कार्रवाई। ऐसे कितने उपभोक्ता हैं जिनमें के 50,000 से ऊपर? ऐसे उपभोक्ता हमारे पास है 55 उपभोक्ता ऐसे हैं जो 50,000 से ऊपर है और 1,00,000 से ऊपर वाले उपभोक्ता लगभग 17 हैं जिन पर कार्रवाई जारी है।